बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले यूपी के बलिया जिले की बैरिया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अब योग गुरु रामदेव द्वारा एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने योग गुरु को भारतीय चिकित्सा प्रणाली का ध्वजवाहक करार दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान चिकित्सा पद्धति को महंगा बनाकर समाज को लूटने वाले नैतिकता की शिक्षा न दें। आज एलोपैथ के क्षेत्र में 10 रुपए की गोली को 100 रुपए में बेचने वाले लोग सफेद वस्त्रधारी अपराधी हो सकते हैं, वो समाज के हितैषी नहीं हो सकते। देखिए, रामदेव बाबा का तर्क अपने स्थान पर बिल्कुल सही है और मैं तो यहाँ मैं भी कह सकता हूँ कि पूज्य बाबा रामदेव की पद्धति को स्वीकार करना चाहिए। उनकी पद्धति क्या है, ये तो आयुर्वेद अपने सनातन परंपरा की पद्धति है और इस परंपरा को यदि स्वीकार करके इस क्षेत्र में काम किया जाए तो मेरी समझ से भारत स्वस्थ भारत समर्थ भारत बनने की योजना हम साकार कर सकते हैं। मैं तो नया शब्द दिया हूँ और हो सकता है कि जीवन के उत्तरार्ध में मैं सन्यासी तो नहीं बनूंगा, लेकिन राजनीति से संन्यास लेने के बाद से इस अभियान पर मैं जुड़ूंगा और एक मेरा नारा होगा स्वस्थ भारत समर्थ भारत। और स्वस्थ भारत समर्थ भारत के नाम पर दो ही काम ही रहेगा, योग और अपने पुरखों के परंपरा को आयुर्वेदिक पद्धति को समाज में लागू करना। रोग ही नहीं हो, ठीक है, मैं नहीं कहता कि एलोपैथ खराब है या उसमें काम नहीं है, उसमें भी काम है, लेकिन एलोपैथ के क्षेत्र में चिकित्सक राक्षस का रूप ले लिया है, जहां मृतक को भी जीवित दिखा करके पैसा लेने की परंपरा जिस देश में चलती हो। मेरी समझ से मेरे भाई, यदि आज के युग में इस युग में ऐसे चिकित्सकों को उस पुराने सनातन धर्म के राक्षसों से भी बदतर कह सकता है, क्योंकि राक्षस भी पहले मार देने के बाद से फिर छोड़ देते थे, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को भी आईसीयू में रख करके पैसा लेने की परंपरा यदि कोई एलोपैथ का चिकित्सक करता है तो मेरी समझ से राक्षस है, वो चिकित्सक नहीं है। और पूज्य रामदेव बाबा के चिंतन को मैं बल प्रदान करता हूँ और एलोपैथ के जितने लोभी और भ्रष्ट चिकित्सक है उनकी निंदा करता हूँ और साथ ही इस एलोपैथ के क्षेत्र में जो चिकित्सक ईमानदारी पूर्वक सेवा कर रहे हैं उनका हृदय से स्वागत भी करता हूँ। सब लोग एक जैसे नहीं है, लेकिन जो चिकित्सक केवल पैसे के लिए कुछ भी लिख 10 रुपए की गोली 100 रुपए बेचने वाला एलोपैथ, वो भी जो है नैतिकता के पाठ रामदेव बाबा को पढ़ा रहा है, तो मेरी समझ से उसको थोड़ा लज्जा आनी चाहिए और हया आना चाहिए। है रामदेव बाबा, मैं मानता हूँ कि आयुर्वेद के क्षेत्र में वो भी जो है व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एलोपैथ के क्षेत्र में व्यापारी जितना दुराचारी हो गया है उतना अभी आयुर्वेद के क्षेत्र में दुराचार नहीं। मैं इसलिए कंपेरेटिवली यदि कहा जाए तो आयुर्वेद का क्षेत्र अभी एलोपैथ के क्षेत्र से जरूर जो है अच्छा है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।